फ्रेंड्स, मेरे चैनल रीडिस्कवर पॉम्पे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ और वो अलग क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पिछला वाला क्लिप और कवर फ़ोटो देख के पता तो चले गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके रेसिपीज़ और इसका ये केक बनाने का एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो को पूरे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग भी घर पर ऐसे केक बनाने जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो कुछ टिप्स इसमें से ले सकते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल कैसे बनाया जाए या फिर हर एक स्टेप का ऑल्टरनेटिव्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स क्या होगा वो भी मैं बनाते हुए आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ऑल्सो डू प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियोज़ टू अदर्स तो प्लीज़ उसको शेयर भी ज़रूर करना। एंड फाइनली, अगर आप लोगों को कुछ मेरे चाहे कुकिंग ब्लॉग के बारे में हो या फिर मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग के बारे में हो या फिर मेरे सिंगिंग ब्लॉग के बारे में हो, अगर आप लोगों को कुछ भी बताना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट ज़रूर डालना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। एनीवेज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स माय केक वॉक। तो अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें मैं बटर फ्रॉस्ट क्रीम बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह सफ़ेद मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है। अब मैं व्हाइट बटर क्रीम और चॉकलेट बटर क्रीम दोनों बनाऊंगी। तो अब चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैं सबसे पहले अनसॉल्टेड बटर ले लूँगी 50 ग्राम्स, और चीनी मिलाने से पहले मैं बटर को अच्छे से फेंट लूँगी ताकि वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, और उसके बाद मैं फिर थोड़ा थोड़ा चीनी मिलाने जाऊँगी। जैसे कि हमें दिख रहा है, सारी इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद ये क्रीम थोड़ा सा ड्राई बन गया है और ब्लेंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट डेंसिटी लाने के लिए करीब 2 चम्मच दूध मिला लेंगे, और इसकी जगह हम चाहें तो घर पर अगर हो तो व्हिप्ड क्रीम भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल परफेक्ट डेंसिटी में। अब हम इसके बाद व्हाइट क्रीम को भी बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, सिर्फ कोको पाउडर को बिना डाले और थोड़ा सा ज्यादा वनीला डालेंगे।
तो ये है वो मिक्सिंग बाउल जिसमें मैं केक का बैटर बनाऊंगा। और ये है मेरा मेजरिंग कप जो 100 ग्राम के आसपास का है। इससे मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स नाप के लिए हैं। अब मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैंने क्या क्या यूज किया है। तो ये है मैदा जो मैंने 2 कप लिया है यानी 200 ग्राम करीब करीब। ये है पीसी हुई चीनी जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 कप तक लिया है यानी 125 to 150 ग्राम्स। ये है कोको पाउडर जो मैंने पूरा 1 कप लिया है। ये है बेकिंग पाउडर जो मैंने 1 टेबलस्पून यूज किया है। ये है बेकिंग सोडा जो मैंने 1 टीस्पून यूज किया है। और ये है सॉल्ट जो मैंने बिल्कुल 1/2 टीस्पून लिया है। ये है वेजिटेबल ऑयल जो मैंने 1/3 कप लिया है। अगर आप चाहें तो इस वेजिटेबल ऑयल की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। और अब मैंने 2 अंडे भी लिए हैं जो मैं एक एक करके केक के बैटर में मिलाती जाऊंगी। अंडे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि केक थोड़ा ज्यादा फ्लफी बने और उसको बांधने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो बिना अंडे का भी केक आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा ज्यादा दूध डालना पड़ेगा लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं होता। इनफैक्ट बिना अंडे का केक भी काफी टेस्टी होता है। और अब मैंने फाइनली यहाँ पे कुछ पीसे हुए काजू रखे हैं जो मैं बैटर में मिलाऊंगी फाइनली, ताकि थोड़ा थोड़ा बाइट में भी काजू आ सके। अब हम इस छलनी में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि बैटर में कोई भी हार्ड पार्टिकल ना रह जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इससे केक काफ़ी नरम और महीन भी बनेगा। अब मैं बैटर में 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाऊंगी क्योंकि कॉफ़ी से चॉकलेट का फ्लेवर जो है वो काफ़ी निखर के आता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा चॉकलेट केक जो है वो काफ़ी रिच बने। अब मैं बैटर को इस बेकिंग टिन में डाल दूंगी। अगर आपके पास बेकिंग टिन नहीं है तो आप कोई भी मेटल का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो प्रेशर कुकर के लिए ठीक है, माइक्रोवेव के लिए नहीं। तो बैटर डालने से पहले मैंने पैन को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और ऊपर से मुझे मैदा भी छिड़कना है ताकि जब केक बन के तैयार हो जाए तो वो आसानी से निकल के आ जाए और पैन पे चिपके। ये रहा मेरा प्रेशर कुकर। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी ताकि केक बनाते समय इसका बेस जलेगा नहीं।
मैंने ढक्कन में से रबर का गैस्केट भी निकाल लिया है और ढक्कन के ऊपर से मैंने व्हीसल भी निकाल ली है। अब मैं प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए बिल्कुल सीम मोड पे लेकिन थोड़ा सा गर्म कर लूंगी और जब ये गर्म हो जाए इसके अंदर मैं हॉट स्टैंड को रख दूंगी। अब ये गर्म हो चुका है और मैंने हॉट स्टैंड भी रख दिया है। अब मैं बेकिंग टिन को भी रख चुकी हूँ इसके अंदर। अब मैं 45 मिनट के लिए इसको बिल्कुल सीम मोड पे रख दूंगी। मेरा केक अब बनके तैयार है लेकिन थोड़ा सा गर्म है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो मैंने छुरी से इसको धीरे धीरे से साइड वाइज काट लिया है। केक बना है कि नहीं ये मैं अगर देखना चाहूँ तो एक स्टिक इंसर्ट करके देखना काफी आसान है। अगर ये बिल्कुल साफ निकल के आ जाए तो इसका मतलब केक बिल्कुल बनके तैयार है। अब धीरे धीरे से मैं इसके रिंग को निकाल रही हूँ। काफी धुआं भी निकल रहा है इसका मतलब गर्म अब। तो अब ये केक बनके तैयार है लेकिन ये अच्छे से बना है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अगर ये स्पॉन्जी है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से बन चुका है लेकिन अगर आपकी उंगलियां दब जाती है तो इसको बनाने में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं इस केक को एक प्लेट में रख दूं। मैंने केक को 1 बाउल बनाया है यानी मैं केक को साबुत रखना चाहती हूँ लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको मल्टी लेयर केक बना सकते हैं। इसको अलग अलग लेयर्स में काटें। बस हाँ ध्यान रहे कि उसके लिए क्रीम थोड़ी ज्यादा रखूंगा। तो अब मैं इस केक को चॉकलेट क्रीम से डेकोरेट कर दूंगी। अब मैंने केक को चॉकलेट क्रीम से पूरी तरह से कवर कर दिया है और ये चॉकलेट केक अब एक मैसी मड केक जैसा दिख रहा है। अब मैं इस केक को फ्रिज में डाल दूंगी और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद जब ये सेटल डाउन हो जाए तब मैं इसके ऊपर व्हाइट क्रीम से डेकोरेट करूंगी। तो केक को फ्रिज से निकाल के थोड़ा सा डेकोरेट करके मैंने साइड में रख दिया है। अब केक को व्हाइट क्रीम से डेकोरेट करने के लिए मैं इस पाउच का इस्तेमाल करूंगी। ऐसे केक डेकोरेटिंग सेट्स आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे।
मेरा वन बाउल केक बनके तैयार है और मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया है टू सेटल डाउन अ लिटल बिट। तब तक मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है और मैं बहुत थक गई हूँ। सो नाउ अब मैं थोड़ी देर बाद उस केक को निकाल के देखूँगी कि वो कैसा बना है और उसके फ़ोटोज़ भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे ब्लॉग्स को अप्रिशिएट करने के लिए। सीइंग यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।